हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू 8th लेसन ऑफ SST। द नेम ऑफ दिस लेसन इज पॉल्यूशन, मीन्स प्रदूषण। द अर्थ एनवायरनमेंट लैंड्स द मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस फॉर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ टू एग्जिस्ट। In our environment, there is a very delicate balance between all the elements like breathing air in the form of oxygen, clean water, cultivable land which produces food items for us, etc. Earth ka environment different forms of life ke liye favorable condition exist karta hai. हमारा एनवायरनमेंट सभी डेलिकेट सभी एलिमेंट्स के बीच में बहुत ही डेलिकेट बैलेंस बनाता है, जैसे ऑक्सीजन के रूप में हवा में सांस लेना, साफ पानी, कल्टीवेबल लैंड जो हमें विभिन्न तरीके के फूड आइटम्स प्रोड्यूस करके देता है, एक्सेट्रा। अनफॉर्चुनेटली दिस डेलिकेट बैलेंस इज गेटिंग टेरिबली डिस्टर्ब्ड बाय द कॉन्टिमिनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एयर, वाटर, सॉयल, एक्सेट्रा। दुर्भाग्य से हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे एयर, वाटर और सॉयल, जो इन्वायरमेंट बहुत ही डेलिकेट बैलेंस बनाते हैं, भयंकर रूप से प्रदूषित हो रहे हैं। इस कॉन्टिमिनेशन को ही प्रदूषण पॉल्यूशन कहा जाता है। Any substance that causes the degradation of an element from its natural condition is called a pollutant. कोई भी substance जो कि natural condition से उसे बहुत degradation में लेकर जाता है, decrease करता है, उसे pollutant कहा जाता है। Any agent that causes pollution is called a polluter. कोई भी एजेंट जो पॉल्यूशन करते हैं उसे पॉल्यूटर कहा जाता है। मैनकाइंड इज द बिगेस्ट पॉल्यूटर ऑफ द एनवायरनमेंट टुडे ड्यू टू इट्स इनसेंसेबल एक्टिविटीज़। मानव जाति जो कि अपने इनसेंसेबल एक्टिविटीज़ के द्वारा एनवायरनमेंट में इतना पॉल्यूशन कर रही है, वो सबसे बड़ा पॉल्यूटर है। आर एनवायरनमेंट इज इरोडिंग very fast due to reckless pollution caused by the mankind in the name of development. मानव जाति development के नाम पर अपने पर्यावरण को बहुत ही fast speed से polluted कर रही है। We all have knowingly or unknowingly contributed to pollution in some way or the other. जाने अनजाने हम सभी का पॉल्यूशन करने में कुछ ना कुछ योगदान जरूर है। अ सिंगल फैमिली लिविंग इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी डम्प्स मोर देन अ टन ऑफ गार्बेज एवरी ईयर। एक सिंगल फैमिली जो कि किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहती है, वो हर साल कम से कम एक टन गार्बेज निकालती है। मोस्ट ऑफ दिस इज प्लास्टिक बॉटल्स which is not recycled at all like minerals, water bottles or soft drinks bottles. इसमें सबसे ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट होता है जो कि रिसाइकल्ड नहीं होता है, जैसे मिनरल वाटर बॉटल और सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स। Now we have studied about the types of pollution. There are 5 types of pollution: air pollution, water pollution, soil pollution, noise pollution and chemical and nuclear pollution. First we have studied about the air pollution. The mixing of harmful gases such as carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide along with the dust particle in air causes air pollution. हवा में कुछ harmful गैसों के मिलने से, जैसे carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, इनके अलावा कुछ जो dust particle होते हैं उनसे air pollution होता है। इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रीज़ और व्हीकल्स भी एयर पॉल्यूशन के मेन एजेंट हैं। एयर पॉल्यूशन के कुछ नेचुरल कॉसेस भी हैं, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन और फॉरेस्ट फायर। ट्रीज़ हमारे नेचुरल प्यूरीफायर हैं, क्योंकि ये इन्वायरमेंट से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे एब्जॉर्ब करते हैं और फ्रेश ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट में छोड़ते हैं। लेकिन पेड़ों के अधिक कटने से एयर प्यूरिफिकेशन की जो प्रोसेस है उसमें बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न की है।
Ozone layer is an important factor in stopping the harmful rays of the sun that reach the earth. ओजोन लेयर एक अन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो सन से निकलने वाली जो हार्मफुल गैसेस हैं उनको अर्थ तक पहुंचने से रोकती है, जो कई तरह की हार्मफुल डिसीज, स्किन प्रॉब्लम, यहाँ तक कि कैंसर भी पैदा कर सकती हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कई अन्य जो पॉल्यूटेंट गैस हैं उनके ओवर यूज़ से ये बहुत ही फास्ट स्पीड से डिप्लीट हो रही है। साइंटिस्ट ने ओजोन लेयर में बहुत ही बड़ा होल देखा है या ऑब्जर्व किया है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स दैट कैन बी टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ कर्विंग एयर पॉल्यूशन आर लिस्टेड बिलो। द फर्स्ट पॉइंट इज डिपेंडेंसी ऑन बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स शुड बी रिड्यूस्ड। मीन्स जलाने के लिए हम फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंड होते हैं तो उसे हमें कम करना चाहिए। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? जो ज़मीन के अंदर से निकलने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है, जैसे कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। क्लीनर एनर्जी रिसोर्सेज जैसे सोलर एनर्जी और विंड पावर एनर्जी को हमें अचीव करना चाहिए। सीएनजी जैसे क्लीनर फ्यूल्स का उपयोग करके व्हीकलर पॉल्यूशन को हमें कम करना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को प्लांट करना चाहिए। प्लास्टिक वेस्ट को जलाने से स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसे जलाने से पॉइजनस गैसें निकलती हैं। Now we have a study about the water pollution, means वायु प्रदूषण। When the water source get contaminated, it is called water pollution। जब कभी भी पानी के स्रोत जो हैं प्रदूषित हो जाते हैं तो उसे वायु वाटर पॉल्यूशन कहा जाता है। वाटर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा पॉल्यूटेड होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट और हाउस होल्ड वेस्ट जो पानी में रिलीज़ किए जाते हैं, छोड़े जाते हैं, उससे ये पॉल्यूशन होता है। कुछ अन्य एक्टिविटीज़ जैसे जानवरों को नदियों में नहलाना, कपड़े धोना, रूरल एरियाज़ में इनसे भी वाटर पॉल्यूशन होता है। इसके अलावा जो स्टॉर्म्स होते हैं उसमें जो सॉयल होती है और अदर पार्टिकल्स जो होते हैं उस वो उड़ाकर लाए जाते हैं जिसके द्वारा भी वाटर पॉल्यूटेड होता है। कभी कभी ऑयल टैंक से होने वाले लीकेज से भी वाटर पॉल्यूट होता है। पॉल्यूटेड वाटर हार्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं उनके लिए हार्मफुल होता है। जो एनिमल्स अपने सर्वाइवल के लिए वाटर पर डिपेंड है, चाहे वो एक्वेटिक हो या नॉन एक्वेटिक, उनके लिए हार्मफुल होता है। पॉल्यूटेड वाटर से कई तरह की बीमारियां जैसे जॉइंटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, टाइफाइड एक्सेट्रा हो जाती हैं। सो इमीडिएटली स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू स्टॉप वाटर पॉल्यूशन। वेस्ट टू स्टॉप वाटर पॉल्यूशन आर All chemical waste should be treated and then only disposed of at designated place. All chemical waste को हमें अच्छे से treat करना चाहिए और उसके बाद में किसी point out place पर ही उसे disposed करना चाहिए। Second, municipal authorities को water pollution को कम करने के लिए sewage waste का इलाज करना चाहिए। Third, dead bodies and other human waste को direct river में disposing के लिए discouraged करना चाहिए और उन्हें रोकना चाहिए। Fourth, नदियों में नहाने या कपड़े धोने से जो discourage करना चाहिए क्योंकि soap और detergent water में कई तरह के harmful chemicals छोड़ जाते हैं। Now we have discussed about the soil pollution. We cannot survive without food. हम food के बगैर जीवित नहीं रह सकते, but हमें जिस तरीके का फूड मिलता है उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इंडस्ट्री से निकलने वाले केमिकल वेस्ट एक्सेट्रा से जहरीले पदार्थ शामिल हो सकते हैं। जब हम ऐसे फूड को कंज्यूम करते हैं तो इससे कई घातक बीमारियां हो सकती हैं। यही नहीं, पर डे टन और टन सॉलिड वेस्ट को ज़मीन के नीचे दबा दिया जाता है। यह सॉइल पॉल्यूशन का एक और मुख्य कारण है। Few important steps needed to be taken immediately. The first one is there should be a proper waste disposal system. Plastic or polythene की वस्तुओं का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए और उन्हें ज़मीन के नीचे नहीं दबाना चाहिए। इन प्रोडक्ट के रिसाइकलिंग को जितना पॉसिबल हो सके बढ़ावा दिया जाना चाहिए। केमिकल फर्टिलाइजर, हार्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड की जगह कोई अधिक यूज़ को हमें कम करना चाहिए, उसे डिस्करेज करना चाहिए। इनकी जगह ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए जो सॉइल को पॉल्यूट ना करें या फूड चेन को भी दूषित ना करें।
सॉइल इरोशन को कम करने के लिए और पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट दी नॉइस पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल एरियाज में नॉइस पॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। एटमॉस्फेयर में नॉइस के प्रेशर को साउंड या नॉइस पॉल्यूशन कहा जाता है। करंटली 85 डेसिबल से ऊपर की साउंड ह्यूमन ईयर्स के लिए हार्मफुल होती है। नॉइस पॉल्यूशन मेनली व्हीकल्स, एरोप्लेन्स, लाउड स्पीकर्स, मशीन्स और लाउड म्यूजिक से होता है। एक्सेसिव नॉइस पॉल्यूशन ना केवल हमारे मन की शांति के लिए खतरा है बल्कि हमारे हेल्थ के लिए भी है। इससे हीटिंग ट्रबल्स, ब्लड प्रेशर, कार्डियोवास्कुलर मीन्स दिल से संबंधी बीमारियां, एनेक्सिटी और कई अन्य स्ट्रेस रिलेटेड बीमारियां भी हो सकती हैं। इमीडिएट स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू मिनिमाइज द नॉइज पॉल्यूशन एज मच एज वी कैन। वी मस्ट नॉट प्ले म्यूजिक वेरी लाउडली। हमें ज़्यादा तेज आवाज़ में म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए। सेकेंड, पब्लिक फंक्शंस और सेलिब्रेशंस में जोरदार लाउड स्पीकर्स को इनकरेज नहीं करना चाहिए। द थर्ड पॉइंट इज, हमें फेस्टिवल्स जैसे कि दिवाली पर लाउड फायर क्रैकर्स को जलाने को डिस्करेज करने की कोशिश करनी चाहिए। यह नॉइस और एयर पोल्यूशन और फायर रिलेटेड एक्सीडेंट का एक मेजर रीज़न है। लाउड फायर क्रैकर्स की बर्निंग से परमानेंट हियरिंग लॉस भी हो सकती है। द फोर्थ पॉइंट इज, ड्राइविंग करते समय एक्सेसिव हॉन्किंग को डिस्करेज करना चाहिए। कुछ लोग मनोरंजन के लिए व्हीकल्स में प्रेशर ऑन का यूज़ करते हैं। यह ना केवल इलीगल है बल्कि दूसरों की परेशानी का कारण भी है। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द केमिकल एंड न्यूक्लियर पॉल्यूशन। न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर वेपन्स के यूज से उत्पन्न केमिकल और न्यूक्लियर पॉल्यूशन भी पिछले कुछ डिकेड्स में बहस और चिंता का इशू रहा है। न्यूक्लियर पॉल्यूशन बहुत डेंजरस है और इसके भयानक परिणाम हैं। 1986 में रशिया में चेर्नोबिल दुर्घटना या 2011 में जापान में फुकुशिमा रिएक्टर घटना जैसी न्यूक्लियर डिजास्टर भी चिंता का प्रमुख कारण है, क्योंकि वे इनेविटेबल हैं और इसलिए आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए हाईली रिस्की है। स्टेप्स टू कर्ब न्यूक्लियर पॉल्यूशन। द फर्स्ट स्टेप इज, न्यूक्लियर पॉल्यूशन पर अंकुश लगाने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर इंडस्ट्रीज और लेबोरेटरीज से रेडियो एक्टिव वेस्ट के लीकेज को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। द सेकेंड स्टेप इज, न्यूक्लियर वेस्ट के सेफ डिस्पोजल के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। द थर्ड स्टेप इज, सभी प्रकार के न्यूक्लियर टेस्ट पर टोटल बैन होना चाहिए और इसका सभी कंट्रीज में स्ट्रिक्टली इन्फोर्स और ऑब्जर्व होना चाहिए। Now we have discussed about the waste management. It is important today that we can take sincere initiative to contribute towards curbing pollution. Waste can be classified as biodegradable and non-biodegradable waste for the purpose of recycling. Here, it is important to understand the 3 RS theories of waste management. The 3 RS stand for reduce, reuse and recycle. The first one is reduce. Non-renewable natural energy resources, especially fossil fuels, को reduce करने की कोशिश करना चाहिए और इनका minimum use होना चाहिए। यह air pollution को कम करने में help करेगा। Our resources are too limited to be wasted, so the consumption should be reduced to the optimum limit of requirement. Reuse, हमें जितना पॉसिबल हो उतना मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का रीयूज़ करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि न्यू आइटम्स के प्रोडक्शन में अधिक एनर्जी और रिसोर्सेज का कंज्यूमन होता है जो अल्टीमेटली पॉल्यूशन की ओर ले जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए, आज हम जो पेन यूज़ करते हैं वे कभी भी रिफिल नहीं होते हैं। एक बार यूज़ करने के बाद उन्हें फेंक देते हैं और नए खरीदते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखा जाना चाहिए कि वे प्लास्टिक से बने होते हैं जो जलने पर पॉल्यूशन का रीज़न बनते हैं और न्यू वंस के प्रोडक्शन में भी पॉल्यूशन का रीज़न बनते हैं। रिसाइकल,
हमें जितना संभव हो उतना रिसाइकल करने की कोशिश करना चाहिए। पेपर प्लास्टिक जैसे प्रोडक्ट्स को कभी भी केयरलेसली डिस्पोज्ड नहीं करना चाहिए, उन्हें रिसाइकेबल वेस्ट के रूप में डिस्पोज्ड करना चाहिए। होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन वेल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।